मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 2 अगस्त को एक और चीते ने दम तोड़ दिया। मार्च से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। मादा चीता धात्री की सुबह मौत हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कूनो नेशनल पार्क में हो रही चीतों की मौत पर एक बार फिर जमकर हमला बोला है। उन्होंने 8वें चीते की मौत पर भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि चीतों का राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के बाद कोई ख्याल नहीं रखा गया। अब एक बार फिर उन्होंने 9वें चीते की मौत पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। चीतों को सरकार की शक्ति का प्रतीक मानकर बीजेपी प्रचार प्रसार करने में जुटी थी, लेकिन चीतों की हो रही मौत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है। चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 2 चरणों में 20 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाकर बसाया गया था। चीतों का पहला जत्था पिछले साल सितंबर और दूसरा जत्था इस साल फरवरी में भारत लाया गया। बता दें कि जुलाई में नर चीते सूरज की मौत के बाद आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया था। अखिलेश यादव ने चीते की 8वीं मौत पर भी चिंता जताई थी। मार्च के बाद से मादा चीतों में एक धात्री की मौत का 9वां मामला है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव का कहना है कि मौत की वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। देश में जंगली प्रजाति के विलुप्त होने पर 70 साल बाद चीतों को फिर से लाया गया था। चीता परियोजना के तहत 8 नामीबियाई चीतों में 5 मादा और 3 नर को पिछले साल KNP के बाड़ों में छोड़ा गया था। फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।